गाइज वार्मअप के बारे में कोई भी बात नहीं करता है, सब बैटिंग के बारे में बात करते हैं, बॉलिंग के बारे में बात करते हैं, वार्मअप को सब अवॉइड कर देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी क्रिकेट लाइफ में। तो आज मैं आपको स्टार्टिंग से वार्मअप बताता हूँ। हेलो गाइज, आपका स्वागत है क्रिकेट विद विशाल में। गाइज आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको कोई कवर नहीं करता है, खासकर सब बैटिंग के बारे में बात करते हैं, बॉलिंग के बारे में बात करते हैं, और गाइज वार्मअप के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आज हम वार्मअप को कवर करेंगे कि वार्मअप हमें कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो गाइज वार्मअप हमें हमेशा प्रैक्टिस से पहले या मैच से पहले ज़रूर करना चाहिए, हमें बिना वार्मअप के कभी बैटिंग या बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ वार्मअप कितना ज़रूरी है और कैसे हम कैसे वार्मअप कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले सब बोलते हैं कि हमें सीधा जाके रनिंग करना चाहिए, हमें सीधा कभी रनिंग नहीं करना चाहिए। हम जैसे भी ग्राउंड में एंटर करते हैं मैच के लिए या प्रैक्टिस के लिए, हमें सबसे पहले स्ट्रेच करना है। जब भी हम वार्मअप के लिए जाएंगे हमें सबसे पहले स्ट्रेच करना है। हमें मेन पॉइंट, हमें जो बॉडी के काफ होगी, हमारी काफ, थाई, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और शोल्डर, हमें ये सबसे पहले स्ट्रेच करना है। बिना स्ट्रेच के कभी भी हमें रनिंग नहीं करनी है, सबसे पहले इन्हें स्ट्रेच करना है। तो गाइज हमें सबसे पहले स्ट्रेच करना है काफ, हमें हमेशा स्ट्रेच नीचे से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमें काफ स्ट्रेच करना है, काफ हमारा ये वाला पॉइंट है, हमें इसको ऊपर 1 2 पूरा ऊपर जाना है, पूरा फील करना है काफ में, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है। गाइज ये हमें पूरा ऊपर जाके फील करना है, फिर रिलैक्स करके नीचे आना है, ये हमें 30 सेकंड करना है। 30 सेकंड के आप 3 सेट कर सकते हो या 2 में भी चलेगा, कोई आपको स्ट्रेच करना है, बस काफ में फील होना चाहिए कि हम काफ अपनी स्ट्रेच कर रहे हैं। गाइज सेकंड हमें अपनी हैमस्ट्रिंग, ये वाला गाइज बॉलर के लिए बहुत बड़ा पार्ट है हैमस्ट्रिंग, तो हमें इसे स्ट्रेच इसे जरूर करना है, हमें रनिंग में काम आता है और बॉलिंग में तो खासकर, और बैट्समैन के भी हैमस्ट्रिंग जरूर यूज़ होता है, तो हमें हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है। हैमस्ट्रिंग एक लेग हमें आगे रखना है और टो अपना उठाना है, टो से दोनों हाथ से पकड़ना है, फिर लेग चेंज, गाइज हमें यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। अगर आपको स्ट्रेच फील नहीं हो रहा तो थोड़ा आप लेग आगे कर सकते हैं। तो गाइज ये हैमस्ट्रिंग के लिए है, ये जरूर आपको स्ट्रेच करना है। और गाइज अब करते हैं थाई के लिए, जो थाई मसल होता है इसके लिए, गाइज इसके लिए हम आपको तो पहले ऊपर रखना है हवा में, फिर थोड़ा डाउन करना है और पूरा आगे की साइड स्ट्रेच करना है। ये इसमें आपका ग्रोइन भी आ रहा है, हैमस्ट्रिंग भी आ रहा है, थाई भी आ रहा है, तो ये आपको पूरा स्ट्रेच करना है। गाइज फिर चेंज करना है, लेग चेंज आपको दोनों लेग का करना है, ये नहीं, ये देखो आपकी थाई मसल भी आ रही है, हैमस्ट्रिंग भी आ रही है, मैंने ग्रोइन भी आ रही है। ग्रोइन सबसे ज़्यादा इंजर्ड होती है फास्ट बॉलर्स की और बैट्समैन की, बहुत ज़्यादा इंजर्ड होती है, तो इसके लिए आपको पूरा स्ट्रेच करना है गाइज। और ग्रोइन, मेन ग्रोइन के लिए आपको लेग्स दोनों, एक तो इधर रहेगा एक इधर रहेगा, और सामने स्ट्रेच करना है पूरा, और इसमें बैक स्ट्रेट रहेगा गाइज, बैक इसमें पूरा स्ट्रेच पूरा स्ट्रेट रहेगा ऐसे, और पूरा ग्रोइन फील होगा। और गाइज अब ग्लूट्स की बात करते हैं, ग्लूट्स के लिए आपको एक लेग डाउन करना है और दोनों हाथ हमारे सामने रहेंगे, और पूरा इधर से, पूरा आपको इधर से स्ट्रेच फील होगा पूरा ग्लूट्स के लिए। गाइज ये हमें दोनों लेग का करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको ये वार्म अप हम रनिंग करने से पहले जरूर करना है। तो गाइज अब आते हैं शोल्डर, अपर बॉडी, क्योंकि शोल्डर बहुत जरूरी है, हमारे बैटिंग करते हो बॉलिंग करते हो दोनों में यूज होते हैं। तो शोल्डर के लिए आपको ऐसे स्ट्रेच करना है, ये सामने रहेगा और ऐसे स्ट्रेच करना है, फिर दूसरा शोल्डर गाइज, फिर ऊपर ऐसे, फिर चेन गाइज। हमें शोल्डर के बाद हमें अपनी नेक रोटेशन भी करना है, नेक रोटेशन में क्रैम्प आ सकते हैं, तो नेक रोटेशन भी करना है हमें, साइड गाइज ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हम सीधा रनिंग करते हैं तो सीधा क्रैम्प आ सकता है पूरा बॉडी में, तो ये बहुत ज़रूरी है, तो ये आप रनिंग से पहले ज़रूर करिए। गाइज हमारी स्ट्रेचिंग तो कंप्लीट हो चुकी, गाइज हमें अब 15 मिनट्स की रनिंग करनी है। रनिंग के बाद गाइज हमें फिर स्ट्रेच करना है मेन पार्ट्स, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट वार्मअप बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। अब स्टार्ट करते हैं रनिंग के बाद हम क्या स्ट्रेच करें। I'm
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly. Guys, हमारा वार्मअप अब कंप्लीट हो चुका है. गाइज अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें. गाइज आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ एक लाइक करें.